मणिबेन, आप मुझे काले नमक की शीशी दीजिए ना। एम जी को नींबू पानी में काला नमक थोड़ा पसंद है और वो आते ही होंगे। गोपी भाभी, मुझे कुछ कपड़े इस्त्री करने हैं, वो करके मैं अभी आती हूँ। जी। गोपी, वो तूने मुझे बताया नहीं, तूने अहम जीजू के मोजों पर जो कढ़ाई की थी वो निकाल क्यों थी? राशिबेन, वो मुझे मालूम नहीं था कि मैं उस पे आई लव लिख रही थी। हाँ, वो मैं चाहती थी कि अहम जीजू तुझसे प्रभावित हो जाए। मैं ये चाहती थी कि अहम जीजू ये बात समझ ले कि तुझे अपने दिल की बात उनसे कहने आती है। राशिबेन, देखिए, मैं जानती हूँ कि अहम जी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। पानी को ठंडा करने के लिए अलग से थोड़ी बर्फ भी डालनी चाहिए। राशिबेन, बर्फ मत डालिए। अरे क्यों? देख कितनी गर्मी है, ये अच्छा होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। नहीं राशिबेन, एमजी को साइनस की तकलीफ है और ठंडी चीजों से भी नुकसान हो सकता है। राशिबेन, देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी है और मुझे इसे अपने तरीके से संभाल लेने दीजिए। राशिबेन, बात यह है कि एम जी के पहनने उड़ने खाने पीने का तरीका थोड़ा अलग है और माँ जी ने आज खास तौर पे मुझे कहा है कि एम जी को किस तरीके का नींबू पानी पसंद है, तो बस इसलिए मैंने। राशिबेन, देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी और देवर जी की पसंद कुछ अलग होगी, लेकिन अहम जी दूसरों से थोड़े अलग हैं, उन्हें ये सब नहीं पसंद। और राशिबेन, मैं धीरे धीरे उनकी पसंद और नापसंद जाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसी राह पर चल के मैं एक दिन उनका दिल ज़रूर जीत लूँगी। राशिबेन, मैं जानती हूँ, मेरी बड़ी बहन होने के नाते आपको मेरी बहुत फिक्र है, मेरा बहुत ख्याल है और आप हमेशा मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सच कहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी मदद करती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे खुद अपने भरोसे पे सब करना चाहिए। अरे गोपी बहू, तुमने अहम के लिए नींबू पानी बना लिया? माँ जी, मैंने इन्हें आपसे ये कहते हुए सुन लिया था कि मीटिंग से जल्दी वापस आ जाएगी, इसलिए मैंने नींबू पानी तैयार करके रखा। बहुत अच्छा किया। अब एक काम करो गोपी बहू, ये नींबू पानी अहम के कमरे में रख दो। जी। और हाँ, घर के बाहर जो पेड़ है आम का, उसमें बहुत सारे आम तैयार हो गए हैं, पक चुके हैं, तो तुम मणि की मदद से उसे तुड़वा लेना। और हाँ, जो कच्चे आम है उसे पन्ने और चटनी बनाने में इस्तेमाल करना। अहम को घर के आमों की जो चीज़ें बनती है ना, उसका स्वाद बिल्कुल पता चल जाता है,
क्योंकि बचपन से उसे वो स्वाद लगा हुआ है। जी माँ जी, मैं आम तोड़ दूंगी। तुम तोड़ दोगी? माँ जी, हमारा राजपाल नगर है ना, वहाँ पे भी आम के कुछ पेड़ थे। गर्मी के मौसम में हम आम के पेड़ से आम तोड़ कर खाते थे। तो आप फिक्र मत करे, मैं तोड़ लाऊंगी। अच्छा सारू, लेकिन ध्यान से करना। जी माँ जी। अरे राशि, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। काकी जी आप? नहीं, मेरा भूत है। एक तो तुम्हारा ध्यान नहीं है और ऊपर से मुझे से पूछ रहे हो कि काकी जी आप? कोई पीनी नीचे। राशि बहन, क्या हुआ? आपको लग गया? तो ये राशि बहन करने का दिखावा ना बंद कर। जो आता है मुझे सुना के चला जाता है। हाँ जी बताइए। ठीक है धीरज भाई जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया। अब भाई किंजल जी, परसों हमारी बनियान की दुकान का उद्घाटन है। किंजल जी, मैं सोच रहा था कि चल के आपके परिवार वालों को दुकान के उद्घाटन का निमंत्रण दे आता। धवल? हाँ भाई। क्यों नहीं, उन्होंने तुझे धंधे के लिए माल दिया है तो बनियान की दुकान के उद्घाटन के लिए उन्हें निमंत्रण तो देना ही चाहिए ना। हाँ भाई सही कह रहे हैं। किंजल जी चलिए चल के निमंत्रण दे आते, नहीं तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। हाँ ठीक है, हम कल सवेरे चले जाएंगे। लेकिन मोदियों को ही क्यों, उनके सभी रिश्तेदारों को तुम्हें निमंत्रण देना चाहिए। क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही है तेल के धंधे में उनकी वजह से तुम्हें कितना फायदा हुआ था, तो शायद इस काम में भी फायदा हो जाए। हाँ, फिर वो तो बिल्कुल नहीं, मेरा परिवार ही काफी। मैं नहीं चाहती कि अपने रिश्तेदारों के सामने उनकी नजरें झुके। धवल जी बुलाना ही है तो फई के रिश्तेदारों को बुलाइए, क्योंकि वैसे भी आपके जो बनियान का बिजनेस है ये वही तो आगे बढ़ाएंगे। ओफो, अब ठीक है, अभी ये बात तय रही कि कल सुबह चलकर हम आपके परिवार वालों को निमंत्रण दे के आएंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन तेरी बड़ी होने के नाते, तेरी फई होने के नाते मेरा तेरे साथ चलना जरूरी है। हाँ फई। क्यों नहीं फई? जब नौकरी मिलने की खुशी में आप मिठाई लेकर बधाई देने जा सकती हैं, और दुकान के उद्घाटन पर तो आप खुद ही बधाइयों की हकदार। किंजल जी, वो कहीं पण करूं इनके लिए तो मुसीबत ही है। फ्यूचर राशि। जय श्री कृष्णा मम्मी। हाँ ठीक है ठीक है, बोल क्यों फोन किया? अरे आप ऐसी क्यों बातें कर रही है? तो और कैसे बात करूं, एक तो वो छोटी कागड़ी तनातन ताने मारती रहती है और दूसरा वो धवल दफोड़ कहीं का दाबेली की दुकान छोड़कर बनियान के कारोबार के पीछे पड़ा है, और ऊपर से तू घड़ी घड़ी फोन करके वो गोपीड़ी के रागड़े आलापती रहती है। अरे किस किस का सुनूं मैं? थाकी गई छू सांभड़ी सांभड़ी ने। मम्मी अगर मेरी बात सुननी नहीं थी तो फोन क्यों उठाया? आप छोड़िए,